हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ये जो मेरी सलवार है मैंने कटिंग की है उसकी मैं आपको सिलना बताऊंगी, तो मैं आ गई हूँ आपके लिए ये वीडियो लेके। तो गाइस देखिए, ये वही कपड़ा है, वही सलवार है जो मैंने पिछली वीडियो में कट की थी। पार्ट वन से मैंने उसको डाला है, आप जा कर के देख लीजिए। तो ये है बेल्ट, और इस बेल्ट में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें सलवार बहुत भारी बनानी है, पटियाला सलवार भारी होती है, इसलिए हमें उसमें जोड़ लगाना, बेल्ट में जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा कम रह जाता है, बेल्ट में हमें जोड़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें इसको जोड़ लिया है यहाँ से, और इसको हम अब इसका हमें जो भी करना है वो बाद में करेंगे, अभी हम इसको रख देते हैं। उसके बाद गाइज़, हमें पार्ट में कलियाँ जोड़नी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट हैं और चार कलियाँ हैं, तो एक पार्ट के दोनों साइडों में हमें दो दो कलियाँ जोड़नी हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से मैंने आपको बिछा के दिखाया कि किस तरीके से हमें जोड़नी है, उस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों कलियों को पार्ट के दोनों तरफ जोड़ लेना है, और मैंने इस तरीके से अपनी दोनों ही पार्ट में चारों कलियों को मैंने जोड़ लिया है। देखिए गाइस, ये इतनी इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भारी सलवार चाहिए, तो इसकी जो चौड़ाई वो इस तरीके से हो गई है। तो हमने दोनों ही इस पार्ट्स को नीचे ऊपर रख लिया है, और उल्टी साइड से हमें कलियाँ कलियाँ आपस में जोड़ लेनी है साइड से। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से हमें इसे जोड़ लेना है। और ये जो हिस्सा है गाइस, ये आसन वाला हिस्सा है, इसको हम पीछे की साइड लेके आएंगे। देखिए, डबल सिलाई मैंने इस पर लगा ली है। गाइस, अब आ जाते हैं अपनी बेल्ट पे। बेल्ट पे देखिए, मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, बिल्कुल बीच में निशान लगाया है, जो कि बिल्कुल बीच आया है इसका, वहाँ पर निशान लगाया है। और वहाँ पर इस तरीके से हमें ये बेल्ट को रखना है, और जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ से हमें शुरुआत करनी है। इस तरीके से चुन्नट ले लेने हैं, इस तरीके से चुन्नट ले लेने हैं, और बाद में हमें यहाँ तक प्लेन सिलना है, कोई चुन्नट नहीं डालना है। उसके बाद ये जितना भी कपड़ा बचा है हमें 7, 7.5 या 8 इंच तक हमें जगह रखनी है, उसमें सारे चुन्नट हमें डालने हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं पीछे की साइड से शुरू करती हूँ ताकि हमारा जो दोनों तरफ की चुन्नट वगैरह हैं, सिलाई है, अच्छे से आ जाए। तो पीछे की साइड में हमें 2 चुन्नट डालने हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं बता देती हूँ, इसमें हमें 3 इंच 2 इंच 2.5 इंच जो भी हमें चुन्नट डालने होते हैं वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे कपड़े को डबल करके, ताकि दोनों तरफ के चुन्नट बिल्कुल बराबर बने। तो मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है, और मैं आपको बताऊँगी कि किस किस तरह से हम चुन्नट इसमें डालेंगे। देखिए, ये बेल्ट है, बेल्ट को मैंने बीच में निशान लगाया था वहाँ से हम यहाँ पर रखेंगे, और इसके ऊपर हम अपनी सलवार को जहाँ पे हमने कलियाँ आपस में जोड़ी थी वहाँ से हम इसको रखेंगे। और यहीं पर मैंने निशान लगाया था, 3 इंच पर मैंने निशान लगाया था, 3 इंच बड़ा मुझे यहाँ पर एक प्लेट डालनी है, तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से प्लेट डालनी है। देखिए, जहाँ पे हमने कट लगाया है वो कट इस तरीके से हम मोड़ेंगे अंदर की साइड, और पूरा वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक कि जहाँ हमने मशीन में कपड़े को दाबा है, या कह लीजिए कि जहाँ पर हमारा कट लगा हुआ है वहाँ तक हमें इसको अंदर की साइड मोड़ना है। और ये बहुत बड़ी प्लेट बन के तैयार हो गई है, और गाइस वहाँ से पूरा प्लेन सिलने के बाद मैं आ गई हूँ जहाँ मुझे 8 इंच मैंने आगे की साइड में 8 इंच जो रखा है कपड़ा, वहाँ से हमें ये प्लेट डालनी है। और प्लेट हमेशा बाहर, मतलब सीधी साइड से अंदर की साइड रहेंगी, जो प्लेट है वो बाहर की साइड नहीं अंदर की साइड रहेंगी, दोनों साइडों से अंदर की साइड रहेंगी। जो बीच वाला हिस्सा होता है जहाँ पर जॉइंट होगा वहाँ उधर की साइड दोनों तरफ की प्लेट्स होंगी। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का माप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी उंगली का माप लिया है, जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसके बराबर बराबर मैं प्लेट बना रही हूँ, तो सारी प्लेट्स जो है बराबर बन जाएंगी। और देखिए,
तरीके से हमारी सारी प्लेट्स बन चुकी हैं और साइड में हम आ गए हैं बिल्कुल किनारे पे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की प्लेट्स भी बना लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी प्लेट्स आई हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लेट्स डाली हैं और एकदम एक सार बन के आई हैं, काफ़ी अच्छे से बन के आई हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहीं से शुरुआत करेंगे। वैसे ही हम पीछे की प्लेट बनाएंगे, उसके बाद हम जितना भी जहाँ हमने निशान लगाया 8 इंच का शुरू में, वहाँ तक हम प्लेन सिलेंगे, कोई चुन्नट नहीं डालेंगे, कोई प्लेट नहीं डालेंगे। उसके बाद हम 8 इंच से शुरुआत करेंगे और वहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी सारी प्लेट्स बन जानी है वहाँ तक। देखिए मैं बता देती हूँ इधर के साइड भी, इस तरीके से हमने प्लेट बनाई और यहाँ से हमें प्लेन सिल लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ है, ये 8 इंच तक का कट है शुरू से, और मैंने ये प्लेट्स लगाई हैं। ये मैंने ऊपर वाले जो घूम हैं ये मैंने बाहर की साइड मोड़े हैं, तो अंदर नीचे की तरफ से वो अंदर की साइड हो जाएंगे। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए मैंने अपनी उंगली का नाप लिया है, उंगली से मैं नापती जा रही हूँ और चुन्नट उसमें लगाती जा रही हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। और ये देखिए इसको अब हम इसको डबल करेंगे और जो साइड में खुला हुआ है इसको आपस में हम जोड़ लेंगे। लेकिन गाइस इसमें भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर की साइड जो बेल्ट की ऊपर वाली साइड है वहाँ से हमें 1.5 इंच लगभग छोड़ देना है, वहाँ पर हमको सिलना नहीं है, बस 1.5 इंच नीचे से ही वापस हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे हमें फोल्ड करना है कमरबंद डालने के लिए, तो वहीं से हमें वापस हो जाना है बीच में से ही। लगभग आप नाप लीजिए, लगभग 1 या 1.5 इंच बहुत है, उतना ही काफ़ी है। तो ये हमने जोड़ लिया है और अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भारी सलवार हमारी बनकर तैयार हो रही है। और अब मैं इसका जो ऊपर वाला वो है कमरबंद डालने वाला जो नेफा बोलते हैं इसको मैं मोड़ लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए किनारी हमें थोड़ी थोड़ी मोड़ लेनी है पहले, उसके बाद ये नेफा हमें मोड़ लेना है और सारा इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है चारों तरफ। ये देखिए ये नेफा भी सिल दिया है मैंने, तैयार हो गया है। अब बचे पांचे बनाने के लिए गाइस मैंने आपको दिखाया था, मैंने कट कर लिया था पहले ही ये सब। तो ये जो हमारी बुकरम है, बुकरम को हम इस पे रखेंगे कपड़े पे, और कपड़ा मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटा था। तो 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा काटा था कि ये हमें साइड से मोड़ना है। देखिए इस तरीके से एक साइड से बिल्कुल बराबर रखना है और एक साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए चलना है। इस तरीके से हमें मोड़ लेना है, उसके बाद सलवार का पांचा नीचे से ले लेना है सीधी तरफ रख के इसको, और कपड़ा बीच में रहेगा और बुकरम एक साइड रहेगी, और इसको हमें इस पे जोड़ लेना है किनारी किनारी, लगभग 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें इसको सिल लेना है। बुकरम की वजह से पोंचों में बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है, सफाई से बनती हैं ये और बहुत ही अच्छी भी लगती हैं, और सलवार का लुक ही इनसे आता है। तो इस तरीके से हम इसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद गाइस ये सिलाई लगाने के बाद हमें उस पोंचे को अंदर की साइड मोड़ देना है और ऊपर जो है सिलाई लगा लेनी है अच्छे से, बिल्कुल किनारी जहाँ सिलाई लगी हुई है वहाँ से हमें इसे अच्छे से दबा के हाथ से प्रेस करके इसको अच्छे से ठीक कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें अपने हाथ से कपड़े को ऊपर की तरफ खींचते हुए सिलाई लगानी है ताकि उसमें कोई झोल वगैरह ना आए। गाइज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।
अब हम इसको ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। और गाइस ध्यान रखिएगा, नीचे की साइड का कपड़ा जो है हमें खींचते हुए चलना है, ऊपर की साइड मतलब देखते हुए चलना है कि नीचे की साइड झोल नहीं आना चाहिए, वरना हमारी जो सलवार है उसका सारा ही लुक ख़राब हो जाएगा। तो ऊपर की साइड हमें कपड़े को देखते हुए चलना है कि कपड़े में नीचे झोल नहीं आना चाहिए। देखिए ये पोंचा बन गया है। अब आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही बस एक सीधी लाइन और एक लहरे से बना दिए हैं। तो आप इस पर कोई भी आप जो डिज़ाइन बना सकते हो आप बना सकते हैं। उसके बाद गाइस बस लास्ट इसका स्टेप रह गया है, इसमें हमें बीच में सिलाई लगानी है। इस पोंचे से लेकर उस पोंचे तक पूरी घेर में सिलाई लगा लेनी है। और आप पोंचा जितना रखना चाहते हैं, मैं 6.5 इंच रखा है, बहुत ही छोटे पोंचे रखे हैं मैंने, आप 7, 7.5 भी रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, आजकल फैशन में नहीं है। तो मैंने तो बहुत ही छोटे रखे हैं, और क्योंकि पैरों के नीचे आते हैं तो वो गंदे ही होते हैं और मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं छोटे ही पहनती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं पहनती हूँ। तो गाइस आप इसे बड़े भी रख सकते हैं, बड़े रखेंगे तो सलवार और ज़्यादा भारी दिखेगी। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घेरदार सलवार हमारी बनकर तैयार हुई है, और चुन्नट भी काफ़ी बड़े बड़े आए हैं, इसमें काफ़ी सारे चुन्नट आ गए हैं। इस तरीके से जैसे कि मैंने कट किया हुआ है, इसमें कटिंग की है पटियाला सलवार की, उस तरीके से बहुत ही हैवी हमारी सलवार बनी है। और गाइस देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी सलवार बन के आई है। और जो कि कपड़ा इस ये 2.25 मीटर कपड़ा था, 2.25 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, और सलवार बहुत ही अच्छी बन के आई है, जैसा कि मैं चाहती थी वैसे ही सलवार बनी है बिल्कुल। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप इसको एक बार दो बार तीन बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। और वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, अगली वीडियो भी लेके आऊँगी जल्दी ही। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।